तो बनिया छु वो तो हम सबको पार हम घर छु हमारा घर दिख रहा है यहाँ से। हाँ हाँ वो दिख। देखो कितनी सुंदर बागवानी की हुई है। वो किसके नेम से लिखा है? पुष्पा मालिक के लिए। हम दोनों ने हमारे मालिक को पता ही नहीं चाबी कौन सी। वो नहीं घर दाल चढ़ा रही है। हम दिन में आज दाल चावल खाएंगे। अम्मा ले रहे हैं, अम्मा लोगों का नया घर बन रहा है तो अम्मा की शॉपिंग चल। और ये वॉशरूम होगा, ये वॉशरूम है और एक रूम और बुबू की अलमारी टैंकी वगैरह सब आ गया। लोग और मम्मी को होम वो विदेश टूर करा। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगी तो ये परदमगी धूल चार थे ना पूजा एक कहाँ गया इनमें। दशहरी कलमी लंगड़ा सब आम बुबू ने दिखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत करेगी ताई जी, एज यूजुअल हमेशा वही करती है। चलो शुरू करो ब्लॉग। क्योंकि दुर्गा देवी नाम है। अरे हेलो बोलो ना, दुर्गा देवी नाम है किसको जानना तुम्हारा क्या है क्या नहीं है। जाओ चाय पी। क्या पी रहे? चाय पी रहे? चाय पी रही, ब्लैक टी पी रही है और गोबर लेकर आई हुई। ताई जी कह रही कि मैं ना चौथा लिपती हूँ। ताई जी वैसे मेरी मम्मी ने लिपा था ना। हाँ आज ही लिपोगे? क्या लिपना? हमारे यहाँ गाय भैंस तो है नहीं, गोबर भी मांग के लाना पड़ रहा है। देखो इतना गोबर मांग के लाई हुई ताकि अपना चौथा पूरा लिप पाए। और मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए और आ रही हूँ। आप लोगों ने अलसी देखी होगी ना, अलसी मिलती है और कई लोग उसको सुबह सुबह खाते हैं, खाली पेट भी खाते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है अलसी के पेड़। इसमें गोल गोल दिखाई दे रहे हैं आपको, अभी तो हरे हो रखे हैं। तुम हरे क्यों तोड़ लाए इनको? कोई कोई पक रहे हैं ना, वो सुखा के तब वो करेंगे, पक जाएंगे सुखा के। तो इसमें से मैं एक दाना तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये मैं तोड़ के लाती हूँ जो पीला हो रखा है। हाँ ये है पीला, देखो तोड़ के दिखाओ इसको। अलसी बहुत अच्छी होती है। ये है इसमें। हाँ दे दिया है भी इसमें कुछ। हाँ है ना, है ये आपको दिखाई दे रहा। ये है अलसी के दाने। तो ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। पता नहीं पापा भी खाते हैं इसको, पापा शुगर पेशेंट हैं के लिए बढ़िया है। पापा शुगर पेशेंट हैं तो सही, तो वो भी खाते हैं इसको। तो तैजिया अलसी तोड़ के लाई है। पहले से मम्मी ही बोते थे खेत में, लेकिन इस बार मम्मी ने नहीं बोया है। तैजिया खेत में तो तैजी लेकर आई है। मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अभी तैजिया जी के पीछे से मैं, मम्मी, मेरा भाई और हेमंत के नाना जी है, जो छोटे नाना जी, हम सब जा रहे हैं ससुराल मेरे बुबू से मिलने के लिए। तो कल छिपा मतलब मेरे ससुराल जो है वहाँ जाते हैं। थोड़ा सा बुबू से मिल के आती हूँ, बुबू को थोड़ा सा होली की गुजिया देकर आती हूँ। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, अभी सब लोग तैयार हो रहे हैं। मैं सोचा तो सब लोग तैयार करते हैं, आप लोगों को अलसी दिखा दूँ। और इसे याद आया मुझे, मैं गुजिया रखना भूल गई, पहले गुजिया रख देती। अरे नहीं वो है हमारा घर, ये पन्याली कहाँ है, वहाँ है हमारा घर। हमारा घर दिख रहा है यहाँ से? हाँ हाँ वो दिख रहा है हमारा घर। वो वीडियो में दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये आपको दिखाई, ये फोकस ही नहीं करेगा कैमरा इतना। ये है हमारा घर, ये तुम्हारा दिखा। ये है घर, घर दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चट्टान, ये रोड जो जा रही है इधर ससुराल की तरफ को, ऊपर को पहाड़ी में चोटी में, और इधर से जब वो पहाड़ी क्रॉस करके इस पहाड़ी में आते हैं तो यहाँ से वो नीचे का एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ नदी खेत दिखाई दे रहे हैं। अभी सारा ब्लर हो रहा है ये फॉग और ये पोल्यूशन के चक्कर में। तो ये सारा नदी और ये इलाका हमारा, जहाँ मेरा मायका है वो इलाका मैं दिखा रही हूँ उंगली करके। और इधर को नीचे को यहाँ को बहुत सारे गाँव हैं नीचे, ये सब गांव हैं इधर ऊपर जो जंगल की तरफ के हैं, और वो नीचे हमारा घर है। यहाँ से दिखाई दे रहा है, उंगली कर रही हूँ मैं जिधर। मेरे को अपने गांव वाले दिख गए यहाँ पर। अभी हम लोग हैं कहाँ पर, गैर खेत में, जो मासी से आते हैं तो गैर खेत की मार्केट पड़ती है। एक्चुअली बुबू के लिए सामान ले आना था, लेकिन पता चला कि मासी की मार्केट ही बंद है, तो यहाँ पर हम लोग रुक गए सामान वगैरह लेने के लिए। और तुम कहाँ जा रहे हो पैदल पैदल? दूर है, नीचे दूर है, पाँच चार पाँच किलोमीटर। आ जाओ गाड़ी में बैठो। मम्मी कह रही मैं गैर खेत देखने के लिए आती हूँ, यहाँ की मार्केट वगैरह। तो मम्मी यहाँ से देख रही है और सामने आपको दिखाओ, इतना अच्छा व्यू आ रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा है, पता नहीं वीडियो में पूरे हिमालय की चोटियाँ हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ सब हमारे गांव वाले रहते हैं, आधे नीचे रहते हैं गांव में, आधे लोगों ने यहाँ पर वो बनाते हैं, कहा सर्दी में यहाँ पर बोलते हैं सरसों के खेत, तब अच्छा लगता है।
और ये यहाँ का मंदिर बनाया शायद किसी ने, पीछे इंटर कॉलेज है, वो भाई वहाँ पर गाड़ी लेके खड़ा हो रखा है। तो मम्मी आ रही है यहाँ की मार्केट देखने के लिए, इतना ही है बस। कहाँ जा रहे हो, फोटो खींच लें। यहाँ पर हेमा वो पार ताई जी की दीदी का घर भी, मम्मी इधर कहीं कहाँ है, तुमने देखा हुआ है? अच्छा, यहाँ से बहुत सुंदर लगता है। ऐसे हमारे नीचे से ना, हमारा नीचे ढलान की तरफ को आता है, ऊपर चढ़ाई में है, तो यहाँ से अभी तो खैर धुंध धुंधले तो दिखाई नहीं दे रहा, वरना यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है शाम के टाइम पे। सरसों के खेत होते हैं तो सामने हिमालय और सुंदर लगता है। ये लोग हमको छोड़ के चले गए, जाओ जाओ जाओ, हम पैदल आ जाएंगे। हैं, अच्छा, एक इनके गाँव की ना, हेमंत के गाँव की लड़की हमारे गाँव में भी आई हुई, तो उनके जो मायका है वो ये है। ये मम्मी बता रही मेरे को, मम्मी को यहाँ के बारे में पता है अच्छे से, मम्मी बताते आ रही कि किसका घर कौन सा है यहाँ पे और किसका है। वो चले गए मम्मी, वो कहाँ को चले गए, दूर है अभी मेरा ससुराल। ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है, ये भी देखो, मैं आज देख रही हूँ ये। अरे यहाँ तो बहुत घर है। वो क्या है मम्मी नीचे, वो लमकासू तो नहीं है? वो नीचे गाँव दिख रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, वो लोग तो चले गाड़ी में, पता नहीं मम्मी मेरे को पैदल कहाँ से ले आने वाली है यहाँ गैरखेत से। गैरखेत से नीचे बहुत नीचे है, अभी पैदल पैदल कहाँ जाओगे? वो तो वहाँ रुकेंगे आगे। कोई नहीं, रुक रहे हो, चले गए हमको छोड़ के। यहाँ पर अरे यहाँ भैरव मंदिर भी है सामने, ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, प्राचीन भैरव मंदिर हनुमान टीला। यहाँ से बहुत सुंदर लगता है, नीचे को दिखाई देता है पूरा। देखो कितनी सुंदर बागवानी की हुई है, घर के चारों तरफ इन लोगों ने फूल लगाए हुए हैं, उसी के सामने हिमालय का इतना अच्छा व्यू आ रहा है। चोटी में आके है और एक कुत्ता है, मम्मी ने उसको खाना वाना दे रही थी जब हम लोग गृह प्रवेश में आए थे, उसका एक पैर बेचारे का टूटा हुआ है, तो उसने शायद मेरे को पहचान लिया है, मेरे पीछे 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 आने लग गया नीचे को। बड़ी दया आती है यार जानवरों पर, यहाँ पर कुछ खाने वाने के लिए भी नहीं होता इन लोगों के। और ये एक बहुत बड़ा पुराना वट का वृक्ष है, देखो कितना पुराना है, और मैं आपको दिखाती हूँ ये, इसकी बात करी थी मैं, देखो इसका पूरा पैर टूटा हुआ है, इसको देख के दया आती है। ये देखो, अच्छा ये है, रुक जा कालू, कालू बेटा रुक जा रुक, वो पहचान गया मेरे को, मम्मी उसको खाना दे रही थी ना। अरे बैठे थे तुमसे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? इंतजार कर रहे थे तुमसे, दो समी समी सब मिल गए आपको आज। हाँ यहाँ लगा दें, यहाँ काम के चल रहा है। गाड़ी को किधर लगवा दें, पीछे लगा दो ना, पीछे है जगह। लगा दो यहाँ पे, अरे इसमें लगा दे, अरे वो पीछे लगा दो, पीछे मोड़ है। यहाँ काम किसका चल रहा है? खच्चर आ रहे हैं, ये ऊपर हमारी। अच्छा, वो जो फूल मैंने ये जब बुनिया रखी है ना, हाँ तैयार कर रहा था इतने फूल, हाँ आधा किलो फूल तोड़ो रोजाना, ये फूल हो गए फूल। अरे इसमें फूल तो ताऊ जी ने, बुबू ने बागवानी की हुई है। अभी कहाँ बागवानी करी है, देख लिया मेरे पैर खराब है, अब तो इतनी बागवानी कर देते हैं। कौन से फूल कह रहे हैं? अरे वाह, अमरूद का पेड़ भी हो गया हमारा, अरे वाह वाह, और ये भी हो गए देखो, इसमें भी हमारे कलियां खिल गई है, वो दाने होने लग गए। और आप सब्जी भी बो रखी है क्या? मम्मी सब्जी बो कर गई थी, मम्मी ने सब्जी बोई थी, थोड़ी थोड़ी बहुत सब्जी भी होगी। देखो वहाँ हरी सब्जी हो रही है, मम्मी अगर ब्लॉग देख रही तो समझ जाएगी, उधर सब्जी हो रही है, यहाँ फूल हो रहे हैं, मम्मी ला के गई थी ना ऑरेंज वाले फूल, वो भी हो गए। घर में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं एक महीने के अंदर ही, फूल भी बहुत सारे हो गए। तो अभी बुबू ने जो है दरवाजा बंद कर रखा है, पहले हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर में। अरे वो कहाँ चले गए गाड़ी लेके, मम्मी वो कहाँ गए गाड़ी लेके? अच्छा छाया में खड़ी करने गया होगा, वहाँ गर्मी हो रही ना, वो छाया में खड़ी करने, गर्म रहेगी ना गाड़ी। हाँ ठीक है, वहाँ भी सही है, वहाँ भी अच्छा है। हेमंत के नाना जी आज पहली बार घर देख रहे थे, इसलिए अच्छी तरह से ना अपनी बेटी का नाम पढ़ रहे बोर्ड में। वो किसके नेम से लिखा है? पुष्पा भवन कलशिपा जोशी, कलशिपा जोशी। बड़ा साफ सफाई तो बहुत करीब हुआ, अपने पूरा साफ हो रहा है, होगी होगी घर बड़ा है ना। हाँ हो गया होगा, हो गया होगा, खराब हो रही है। पकड़ना तो मैं गेट खोलती हूँ, ऊपर ही आ जाओ, ऊपर बैग आ तो बाजार बंद से क्या, हमको बंद भरोसा नहीं रहे। मैं खोलती हूँ।
मालिक के कही है, हम थोड़ी ना हमारे मालिक को पता ही नहीं चाबी कौन सी। वो नहीं तो है ना, मैं एक मिनट भी नहीं हुआ। वो कह रहे मैं अपने आप लगाता हूँ। वो कह रहे देखो कुछ नहीं पता है, मैं अपने आप करता हूँ। खोलो खोलो तो मैं हूँ। हाँ इसलिए तो आप ही हो, सही बात है। चलो आपको घर दिखाते हैं, तुषार तो बाद में देखिएगा। आ जाओ आओ तो, चलो अंदर चलो। आप हो ना आज गेस्ट, आप हो मेरा भाई है, वो तो बाद में आएगा। आप आ जाओ, आ जाओ ले आओ। कोई बात नहीं, मैं भी कुछ पोछा लगाऊंगी बाबू। कोई बात नहीं पोछा लगाऊंगी मैं। अरे वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ताऊ जी। ताऊ जी आप इधर को, आप चल सकते हो ऐसे 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 करके। हाँ ऐसे करके ऐसे करो। घुमू ने देखो कितना बढ़िया किया हुआ है। घुमू ने इतने सारे फ्लावर्स यहाँ लगाए हुए हैं। पूजा करते हैं ना डेली सुबह, तो पहले हाथ जोड़ लेती हूँ अपने मंदिर में। घुमू का साफ सफाई करना बहुत होगा। एक गिर पड़ गया मेरे ने हार गया मैं। ताऊ जी बने हमारे वीडियो। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले घर से ऊपर वाले घर में खाना वगैरह बनाने के लिए। है हाँ बना दिया बबू, बना दिया वीडियो। बबू कह रहे सारे घर का वीडियो बना दिया तूने। इधर हमारे जो बगल में अम्मा लोग हैं, उनके मेहमान आए हुए हैं और अम्मा भी देख ली मैंने। नमस्कार अम्मा। ना जाने की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। आज मगर नाइटिन आ गए, नाइटिन आ गए। बुलन ने सलाम रे जो है, मगर नाइटिन आ गए। ना जाने सीधा आती दौड़ लगा। विजय हो गए एक हफ्ता करिए अम्मा। नमस्कार ताऊ जी। नहीं क्यों मैं आ रही, तो मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। नमस्कार बुबू, बढ़िया हो एकदम। जल्दी जल्दी आ रही हूँ मैं। आज आपके बाखली में मेहमान भी ढेर है। आज वही तो मैंने कहा, बहुत मेहमान आए आज हमारे बाखली में। आज आपके मेहमान आए हुए बहुत। कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बुबू यहाँ बैठे हुए हैं, फिर बैठ गए। बाहर जाने की सोचे थे, फिर बैठ गए। मम्मी इधर दाल चढ़ा रही है, हम दिन में आज दाल चावल खाएंगे। इधर तुषार के लिए बन रही है चाय, मुझे खुद नहीं पता यहाँ का। बुबू बताए मसाले वो है ना, ये मसाले का डब्बा देखा था मैंने, मिल गया मिला। हाँ डाल दो इसको। बुबू यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। बुबू बोलो कुछ, आ जाओ, बोल नहीं रहे ब्लॉग में। क्या बोलूँ यार, कुछ तो बोलो आप। क्या बोलूँ, मासी खाना बना रही है, खाना खाएंगे। मासी की मम्मी बता रही, मासी तो बैठी है समधनी के हाथ का। आप तो आते नहीं हो नीचे। आ ही नहीं पाना, जब बुलाओगे तभी तो आऊंगा। अभी चलो हमारे साथ, हमारे साथ चलो आप आज। देखो हमारे गांव में ना ये कंबल बेचने के लिए आए हैं, तो अम्मा लोग कंबल ले रहे हैं। अम्मा लोग का नया घर बन रहा है, तो अम्मा की शॉपिंग चल रही है नए घर के लिए। तो इधर कंबल वगैरह की शॉपिंग चल रही है, मैंने सोचा अम्मा से मिलने आती हूँ। तो देखा और कंबल भी बड़े अच्छे मिल रहे हैं। ये देखो कलरफुल, एक ये डबल बेड का कंबल है, ये सिंगल बेड का कंबल है, और एक चटाई दिख रही है, एक छोटा सा कंबल और दिखाई दे रहा है। सही ले लिया। बुबू ने करी बार्गेनिंग, बुबू अंदर चले गए, बुबू को दिखाती हुए। बड़ी अच्छी बार्गेनिंग कर दी बुबू ने। देखो मैं ये वाले कंबल, देखो ये कंबल 1500 में सब। फौजी की जवान, फौजी को सब मिल गए। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो घर जो बीच में मैंने आपको दिखाया था ना, जब मैं आई थी जो बन रहा था। मैंने कहा था कि बगल में बुबू लोगों का बन रहा है, तो वो लगभग तैयार हो गया है, और एक महीने बाद उसका गृह प्रवेश है। तो वही दिखाने के लिए मैं आप लोगों को ला रही हूँ। जो मेरे पीछे घर दिखाई दे रहा है, यही वो घर है। अरे वाह, अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है अम्मा। ये कर दिया अभी तो बहुत बड़ा लग रहा है, पर से छोटा छोटा लग रहा था। ये यहाँ की किचन है छोटी सी, मंदिर है यहाँ पर, और ये रूम है इनको, इन लोगों का एक रूम ये है इधर। अम्मा मैं कह रही हूँ ना, उसे जब मैं आई थी तब छोटा छोटा लग रहा था, आज काफी बड़ा बड़ा लग रहा है ना। और ये वॉशरूम होगा, ये वॉशरूम है, और एक रूम ये है। ये उन्होंने सही करा है, ऐसे पूरी लंबी अलमारी दे दी ना, उसमें टाइल लगा के इसको पूरा बंद करें, कबर्ड टाइप का।
हाँ मंदिर एक कोने में मधुर बनाया हुआ है। अच्छा इन्होंने सामने बैठने वाला ये बना दिया, उसी यहाँ पर खेत था तो मुझे बहुत छोटा छोटा लग रहा था। हाँ इधर बैठने के लिए बनाया और इसकी जो टैंकी बनाई हुई अंडरग्राउंड, और यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है ना। अच्छा ये मकान तो कौन जगह है? अरे बाबा ये जा रही सीढ़ियाँ ऊपर को यहाँ से, अच्छा लग रहा है मकान। और इधर भी घर बन रहा है, मतलब सभी लोगों ने अपने घर बनाने चालू कर दिए गाँव में। जब से हमारा घर बना उसके बाद बहुत सारे घर बनने लग गए, अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे नए नए घर बनते रहते हैं ना तो अच्छा लगता है गांव में। मम्मी अगर ये गांव का भ्रमण देखो, आप लोग मम्मी को होम वो विलेज टूर करा रहे हैं, तुषार भी गया उधर की साइड को देखने के लिए गांव वगैरह कैसा है। तो मैं तब तक खाना बनाती हूँ, मेरा खाना मैंने आधा रखा हुआ है, चावल ऐसे छोड़ के मैं आई हुई हूँ। इधर बूबू की अलमारी टैंकी वगैरह सब आ गया है सामान, इधर सब टाइल वगैरह रखे हुए हैं। देखो ये सारा सामान इधर इस वाले घर में लोगों ने रखा हुआ है, अंदर पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर क्या है ना, बाकी चीज़ तो अच्छा है, सामान लाने की बहुत दिक्कत है क्योंकि नीचे से ऊपर कन्वेंस का बहुत चार्ज लेते हैं सब लोग, लेकिन उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छे घर बन रहे हैं यहाँ पे। और दो लोग सफिशियंट है, दो कमरे। तो जो बगल में अम्मा बूबू रहते थे ना, जो उनका घर ये है बीच वाला, अब वो लोग पीछे शिफ्ट हो जाएंगे और हम लोग यहाँ आ ही गए हैं नीचे। सब लोग अब दूर दूर हो जाएंगे, थोड़ा सा घर में बंद करके गई थी, अब खोल देती हूँ, मेरे चावल में सीटी आने वाली होगी। खाना खा के मैं और मम्मी नीचे वाले घर में आ गए, मतलब सभी लोग हम नीचे वाले घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है कि अभी बिजली नहीं है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा वो काला काला दिखाई दे रहा होगा, डस्ट बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर से धूल आ रही है। इस चक्कर में घर में एक तो डस्टिंग करनी जरूरी है और एक पोछा करना जरूरी है। तो मम्मी कहती है मैं तेरी मदद कर देती हूँ, मम्मी भी आ रही साथ में ही, तो हम दोनों मिलकर थोड़ा सा घर की सफाई वगैरह करते हैं, छत वगैरह साफ कर देते हैं, ये सब कर देते हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया, देखो मैं दिखाती हूँ छुट्टी के घर में क्या होता है। देखो भले सब कुछ ठीक है लेकिन ये मैं उड़ाऊँगी ना, ये देखो ये धूल, इसमें पूरे धूल भर गई क्योंकि ये एक महीना करीब हो गया ना मम्मी अभी को आए हुए गाँव से, तो ये सारा जो है इधर डस्ट बहुत ज़रूरी हो गया है। देखो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगी, तो ये परत जम गई धूल की सारी। सब्जी और आटा गूंथ के रख दिया बूबू के लिए, बर्तनों की कमी होगी, चाय हमने बना के पी ली है। अब हम नजदीक आ जाओ, अब हम जा रहे हैं, जाकर आ रहे हैं, अभी तो खाना बनाऊंगी तब जाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, बूबू घर में अकेले हैं, बुजुर्ग आदमी है, तो मैंने कहा सोचा कि अभी ताऊ जी कह रहे हैं उनको जाना है, मतलब हेमंत के नाना जी हैं, हम थोड़ा देर लेट निकलते रात को खाना वाना खा के, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि हम तो खाना अपने घर में बनाएंगे नीचे आके, तो बूबू के लिए खाना बना देती हूँ। तो बूबू ने कहा मेरे सब्जी आलू मटर की बना दे, तो आलू मटर डाले हुए हैं और थोड़ा सा आटा गूंथ दिया है बूबू के लिए, ताकि रोटी वोटी बना दूँगी, तो रोटी बनानी नहीं पड़ेगी। तो ये सब कर रही हूँ, अभी चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है, सामान मिल नहीं रहा मेरे को, तो सामान के थोड़ा सा ये है कि जुगाड़ करना पड़ रहा है किचन का, मेरे को आइडिया नहीं है टूट टूट के है। हाँ बाकी ये लोग बाहर बैठे चार थे ना, मुझे एक कहाँ गया इनमें से, ए छुटकू ए छुटकू कितने प्यारा हो गए, ए छुटकू आजा, इतना प्यारा हो गया तू आजकल, कितने प्यालू प्यालू हो गया। क्या बेटू, कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं देने के लिए। गाइस हम लोग जा रहे हैं अब घर को, शाम के आई थी 5 बजने वाले होंगे, तो बूबू भी आ रहे हैं, बूबू धीरे 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 आ रहे हैं हम लोगों को बाइक लेने के लिए। पूरा दिन चले गया आज आने जाने में ही, थोड़ा सा ऊपर नीचे आने में एक घंटा आना एक घंटा आना लग ही जाता है जो टाइम है। हाँ बताओ बताओ क्या बता रहे हो, तुम्हें डाको को सही होना चाहिए। बूबू अपने बगीचे दिखा रहे, वो कह रहे आए वीडियो बना मेरे बगीचे दिखा, हमारा सर ये मुनो ए जी 3 अपने समदन को बता रहे अपने बगीचे, ये दूसरा डायो बोल ले सब फर कर रही हो, ये हमारा सर, ये छोड़ जा हमारा सर, आज जतुरा से हमारे सब बूबू के हैं ये।
चलो जी बुबू के तो अपने समधन को सारे के पीछे वो पेड़ दिखा दिए, आम के दशहरी कलमी लंगड़ा सब आम बुबू ने दिखा दिए। बहुत आ रहा है। चलो बुबू बैठ गए गाड़ी में, ठीक है। अब आना आप दिल्ली आना, ठीक है। दिल्ली आओगे ना दिल्ली में आला तो पने को उतर जा, दिल्ली पने को उतर जा। और कितनी वजह पता हम हमारा रहना पूछा जाना समधनी के वहाँ चले आना कह रही है। चलो जी अभी इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं, अब निकल रहे हम लोग घर को, ठीक है। बाय बाय करो, चलो ब्लॉग में बाय बाय कर दे, मैं एंड कर रही हूँ ब्लॉग का। बाय 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 बाय।